खिदमत करते रहे। एक उनकी खिदमत है और उस खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी कई मर्तबा जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने मजलिस का साथ नहीं छोड़ा। आजकल के लौंडे ये समझते हैं फेसबुक पे या फसादबुक पे लिख देंगे, ये इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे। यकीन मानिए अब वो मजलिस नहीं रही। यहाँ जाने की जो मजलिस में आता है हमारी तरह मजलिस में ही मर जाएगा, लेकिन किसी जमात की तरफ नहीं देखेगा। आखिर में कहना चाहता हूँ, आजकल कांग्रेस का हमेशा से पुकारा किया जा रहा है। यकीन जानिए कांग्रेस हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती। सालार मिल्लत फरमाते थे कांग्रेस पार्टी को, ऐ दरिंदगाने कातिले इंसानियत, तुझसे दोस्ती से बेहतर है जंगलों में जाके हम जहरीले सांपों से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन तेरे से दोस्ती नहीं कर सकते। ये सालार का नारा था। और सालार बताते थे कि कांग्रेस ने इस मुल्क में कितना जुल्म किया मुसलमानों पर, और जब वक्त पड़ता है तो हमारी जरूरत पड़ती थी, हमारे साथ देने की नौबत आती थी, तो सालार ये कहते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो हुनर है कि जहर से त्रियाक का काम लिया करती है और उसको अपने वजूद का एहसास दिलाती है। हमारी मेहरबानी पर 10 साल तक कांग्रेस इख्तदार में आई आंध्र प्रदेश में। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सोनिया गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों से माफी मांगी, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव और बीजेपी की साजिश से मस्जिद को शहीद किया गया। उस मस्जिद की शहादत के बाद 10 साल तक तमाम मुसलमानों ने कांग्रेस का बायकॉट किया और 10 साल तक उसको इख्तदार से महरूम रखा। 10 साल के बाद सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीवी नरसिम्हा राव की गलती का एतराफ करके माफी मांगी तो उसको इख्तदार मिला। राजशेखर रेड्डी, किरण कुमार, रोजिया, ये सब आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद उसका खात्मा हुआ तो टीआरएस पार्टी आने के बाद। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी मौजूदा हुकूमत हमारे बहुत सारे मसाइल हल कर चुकी है। ये कांग्रेस 60 साल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और ये टीआरएस हुकूमत मुसलमानों के मसाइल को हल कर दी गई। ऐवान असेंबली में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी उठ के खड़े रहते तो चीफ मिनिस्टर का यह कहना कि अकबर भाई आप जो अवस्था पेश कर मैं उसको हल कर दूंगा। कई मसाइल को हल किया गया, लेकिन आज कांग्रेस इतने मसाइल मुसलमानों के हल होने के बाद 6 मसाइल का वादा कर रहे हैं हम ये करेंगे। अरे तुम्हारे से पहले तो ये हुकूमत हमारे मसाइल को हल करी। बाबा शरफीन साहब की पहाड़ी का रैम, मौला अली की पहाड़ का रैम और अनिसुर सुपा की जामी इमारत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कियादत का एक अहम कारनामा है। थोड़ी सी जमीन रोड बाइंडिंग की अनिसुर गुरबा की चली गई, उससे डबल लाइन गवर्नमेंट से लेकर इतनी शानदार बिल्डिंग तामीर करवाई, तकरीबन 30-35 करोड़ की वो हुकूमत तामीर करके। यतीम खाना मुसलमानों का था, कोई सहूलत नहीं थी, आज एक अनिशान इमारत में वो यतीम खाना चल रहा है। कई मसाइल लड़के शादी मुबारक के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने चीफ मिनिस्टर से कहा शादी मुबारक के लिए एक रकम मुकर्रर कीजिए। कांग्रेस के दौर में भी अकबर साहब के मुतालबे इज्तिमाई शादियों का ऐलान किया, लेकिन गरीब से गरीब भी आदमी वो इज्तिमाई शादियों में नहीं जा रहा था, तो चीफ मिनिस्टर से कहकर अकबरुद्दीन साहब ने इसकी मंजूरी ली जो आज कामयाबी के साथ चल रहा है। किसी मुल्क के किसी हिस्से में कोई हुकूमत शादी मुबारक की स्कीम नहीं चलाती, यहाँ पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की स्कीम चल रही है। ये अकबर अवैसी साहब की नुमाइंदगी का नतीजा है। अकबर साहब की नुमाइंदगी पर बेशुमार काम हुए, वक्त नहीं कि आपको तफसील से बयान करूं। मैं फिर आखिरी में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब दोनों कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक तवील अरसे तक मुझे यहाँ पर अपने असेंबली के जरिए आवाम की खिदमत का मौका मिला। इंशाल्लाह ताला मेरी जमात से वाबस्ता की रहेगी। और एक ऐलान मैं करना चाहता हूँ, मैं MLA से हट जाऊंगा लेकिन मुझे सालार मिल्लत ने जनरल सेक्रेटरी बनाया पार्टी का। जनरल सेक्रेटरी के नाम पर मैं आपकी खिदमत करते रहूंगा, चाहे किसी महकमे में हो मैं जाके काम करूंगा। नसीब मिल्लत की सरपरस्ती में, हबीब मिल्लत की रहनुमाई में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब उसके इस्तेमाल करके बताऊंगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का
जनरल सेक्रेटरी कैसा होता है तमाम सरकारी लोग जानेंगे और उसके बाद हमारा तारुफ होगा। फिर आखिरी में अपील करता हूँ कि 30 तारीख को आप पतंग के निशान पे बटन दबाए, अपने खवातीन के ज्यादा से ज्यादा वोट डलाकर मजलिस को कामयाब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।